सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू MotoMahal YouTube Channel। सो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, और इस बार जो मैं बाइक आप सभी को दिखाने वाला हूँ वो है सिंस्की की नेविगेटर 150cc। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे ये कौन सी बाइक है यार। ये बाइक आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया में नहीं मिलती, ये बाइक मिलती है फिलीपींस में। और जो इस बाइक को मॉडिफाई किया है वो है डीबी क्लासिक, जो कि फिलीपींस में बेस्ड है। आप लोग उनकी क्रिएटिविटी देखिए, कितनी ज़्यादा अच्छे से इस बाइक को मॉडिफाई किया गया है। सो इस वीडियो में हम लोग इसी बाइक के बारे में सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, और आपको, आप सभी लोग के लिए ये एक इंस्पिरेशन वीडियो हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपनी एवेंजर मॉडिफाई कराते हैं, या आपको अगर पल्सर वगैरह मॉडिफाई कराते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कोई क्रूज़र लुक दे, तो आप लोग इस बाइक का डिज़ाइन डेफिनेटली कॉपी करके अपने में डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आप सभी को एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि कुछ इस तरीके से भी आपका क्रूज़र वगैरह बाइक को डिज़ाइन किया जा सकता है। अब आते हैं इस बाइक के ऊपर। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क किया है, और ये बेसिकली एक क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है, और इंडिया में आपको एवेंजर मिलती है। सो एवेंजर वाली जैसी ये दिखने वाली बाइक है, और आपको उसका कस्टमाइजेशन लेवल देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे वर्क किया गया है। इस बाइक का आप लोग साइड प्रोफाइल देखिए, तो आपको देखने में लगे काफ़ी ज़्यादा लंबी बाइक हो गई है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया गया है। और यूजली जो इसकी बाइक, जो ओरिजिनल बाइक थी, उसका जो पीछे का चेसिस था उसको कट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किया है। उसके बाद जो स्विंगम सेटअप आप लोग देख सकते किस तरह से वो पीछे यहाँ पर मूव हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे सीट्स भी कस्टमाइज़ की गई हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रहा है। स्पेशली सिंगल सीटर है, तो ये बाइक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर एक झलक में देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक हार्ली डेविडसन वाली बाइक है, क्योंकि इस तरह की बाइक आपको हार्ली डेविडसन मिले, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा बल्कि बल्कि लुक आता है। तो इस बाइक में भी आप लोग लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लुक आ रहा है। इस बाइक में काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी लगाए गए, काफ़ी ज़्यादा हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी लगाए गए हैं। अगर हम बात करें इसके आफ्टर मार्केट एसेसरीज के बारे में, तो जो इसका फ्रंट का हैंडल बार है वो यहाँ पे चेंज किया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक आपको एप एंगल स्टाइल का हैंडल बार, थोड़ा शॉर्ट है, काफ़ी लंबा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट दिया गया है, तो एक लुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और आपको राइड करते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे इसका आफ्टर मार्केट फ्रंट का हेडलैम आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती है, वो भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लुक दे रहा है। आप लोग इस जो फ्रंट हेडलैम का प्लेसमेंट देखिए, दोनों सस्पेंशन के सेटअप के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंगल में थोड़ा ऊपर में प्लेस किया गया है, जिसका लुक भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। इस मोटरसाइकिल के जो फ्यूल टैंक है, फेंडर है, वो कुछ भी चेंज नहीं किया गया, वो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक रखा गया है, और आप लोग उसका सिर्फ यहाँ पे कस्टमाइज पेंट किया गया। और आप लोग पेंट क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह से एक नेवी ब्लू स्टाइल में यहाँ पे कलर पेंट किया गया, जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो जितना भी इंजन वाला पोर्शन है वो पूरे से ब्लैकआउट है, मतलब ब्लैक और एक नेवी ब्लू कलर, साथ साथ एक जो यहाँ पे ब्राउन कलर की सीट है, और जो साइड बैग है वो भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लुक दिख रहा है। आप लोग साइड प्रोफाइल से देखिए गाड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सभी लोग को भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर आप अभी तक आप सभी को ये वीडियो पसंद आता, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए वीडियो, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मोटरसाइकिल होने वाली है। उसके अलावा है यहाँ पे जो टायर्स है वो यहाँ पे चेंज किए गए, यहाँ पे ऑफ रोडिंग वाले टायर्स लगाए गए, जो जिसमें थोड़े बहुत ग्रूस होते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट और रियर टायर काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे टायर्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे टायर्स भी चेंज किए गए, जिसके कारण थोड़ा बल्कि यहाँ पे लुक आपको देखने में मिल रहा होगा। उसके साथ साथ अगर आप इसका एग्जॉस्ट सिस्टम देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कस्टमाइज़ किया गया है, और ये हैंडमेड एग्जॉस्ट है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका 1:2 में ये प्रोपोर्शन में गया, और यहाँ एक से डबल साइलेंसर यहाँ पर जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली डिटेलिंग के बारे में, सो वो आप लोग इसका सीट का कलर देखिए, सीट का कलर और जो साइड बैक का कलर है वो यहाँ पे ब्राउन रखा गया है, और साथ ही साथ आप हैंडल बैक का ग्रिप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे ब्राउन कलर का रखा गया है, जिसके आप लोग देख सकते हैं मतलब मैचिंग रखा गया है, ताकि आपको एक बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक रॉयल लुक भी देखने में मिल जाए। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग फ्रंट का स्पीडोमीटर कंसोल का प्लेसमेंट देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे एज आफ्टर मार्केट एसेसरी से प्लेस किया गया है। और आप लोग एक और चीज़ ध्यान देने वाले, वो है पीछे सीट के नीचे आप लोग इसका टेल लैम्प देखिए, कितने अच्छे तरीके से सीट के जस्ट नीचे यहाँ प्लेस किया गया, यहाँ पर फेंडर में कोई भी टेल लैम्प की प्लेसमेंट नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये थे आप सभी के लोग के लिए ये सिंस्की नेविगेटर 150cc का मॉडिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।